चाहूँ कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स होता रहे और हम लोग आते रहे और आप सबका प्यार मिलता रहे. हेलो मोबाइल तो हमारे काम दर्शकों को उनके सबसे चाहिए और उनके अपने प्रदीप पांडे जी को बहुत बहुत नमस्कार. आज हम लोग गया फिर से दोबारा दूसरे साल फिर से आज हेलो ग्रीन सिनेमा अवार्ड एकमात्र अवार्ड है जो संदेश देता है, जो मैसेज देता है कि वो बहुत जरूरी है इस वक्त हमारे से हमारे वातावरण के लिए और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अवार्ड समारोह का आयोजित करते हैं. हमारे विजय पांडे उन्हें और विजय पांडे जी से जुड़े और जुड़े जितने भी सभी लोगों को तैयारी से बहुत बहुत शुभकामना. मत करना कामना करता हूँ मीडिया का ये अवार्ड यार ग्रीन सिनेमा अवार्ड और बड़ा होता जाए और पले और अरे आगे मत बढ़ाओ यार कहने का मेरे अच्छा लगता है जब आपके काम पर सराहा जाता है. जब आपके काम को दुनिया के सामने बहुत खुशी होता है आपको लगता है क्या कर रहे हैं. थैंक यू सो मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड. हाँ अभी हम लोग इस लेवल पे दोस्ताना हमने किया दोस्ताना के बाद अभी जो ससुरा बड़ा सतावे और इश दोनों फिल्म आप जरूर देखें. दोनों बहुत ही खूबसूरत ससुरा बड़ा सतावे में पूरी तरह से बहुत टाइम बाद राजकुमार सर की डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है. राजकुमार पांडे जी जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे डायरेक्टर है चुके हैं हैप्पी और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेके भी आ रहे हैं. और देवरा बड़ा सतावे साथ से बहुत सारी फिल्में चिका तेरी गली में ट्रक ड्राइवर बहुत जितनी भी खूबसूरत और बड़ी बड़ी हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. फिर से वो दो साल बाद उन्होंने फिर से निर्देशन किया दोनों फिल्मों का. हम दोनों की कमाल की और खूबसूरत केमिस्ट्री आप सबको दोनों फिल्मों में लगाई सभी के लिए और बहुत चैलेंजिंग रहा. और जैसे 2020 गुजरा और 2021 में हम लोग एंटर किए हैं तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें और बढ़ गई है. एंड बस जो जंग हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ के जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई. और जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने कोरोना के खिलाफ महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ा है सभी लोग एक साथ होकर समझ और बीच के साथ सबको बहुत बहुत शुक्रिया. सब जाने से हाँ 2021 में आप सबको बहुत कुछ मिला बहुत कोरोना बहुत कुछ अच्छा मिलेगा क्योंकि ये 2020 हम सभी के मनुष्य जीवन में बहुत कुछ सिखा कर गया है बहुत कुछ दे कर गया है बहुत कुछ दे कर भी गया है. 2020 सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत अगर मैं कहूँ तो बहुत ही दादपूर्ण साल रहा है क्योंकि इस साल ने हमसे कई रत्नों को कई महारथियों को हमसे छीना है. तो मैं विनम्रतापूर्वक मैं सबसे पहले तो उन सभी महान लोगों का जैसे इमरान खान साहब ऋषि कपूर साहब और भी कई बड़े महान हैं जिनको हम सब लोग बहुत दिल से मानते थे बहुत दिल से प्यार करते थे बहुत खुद रहा है सभी सभी के लिए मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर सभी के क्षण में जगा दे और 2021 हम सबके लिए नया सवेरा लगा और सभी लोगों के जीवन में जारी रहे.